नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। भोपाल नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है। अब पूरे देश में लॉकडाउन खुला हुआ है, इसलिए हम लोगों को लॉकडाउन से ही अपनी जीवन शैली ऐसी बनाना पड़ेगी जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था समाप्त ना हो और उसी जीवन शैली में हम लोगों को रहना होगा। कोरोना बाकी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में नियंत्रण में है। वहीं उन्होंने कृषि विधेयक को लेकर कहा कि कृषि एक विधेयक एक ऐतिहासिक विधेयक है। अभी तक किसान को अपनी फसल की कीमत तय करने का अधिकार नहीं था। इस विधेयक के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने कृषि मंत्री ने ऐसा कर दिया कि अब किसान अपनी फसल का मूल्य स्वयं तय कर सकेगा। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन को लेकर राज्य सरकार ने कई प्रयास किए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी बात हुई, भिलाई से भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तथा भारत सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि जितनी ज़रूरत पड़ेगी हम ऑक्सीजन देंगे। देखिए, कृषि विधेयक एक ऐतिहासिक विधेयक है। अभी तक किसान एक ऐसा था पूरे देश में जिसको अपनी फसल की कीमत तय करने का अधिकार नहीं था। इस विधेयक के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने, किसान अब अपनी फसल का मूल्य स्वयं तय कर सकेगा और उससे किसान को फसल का अच्छा मूल्य मिलेगा। ये जो बाध्यता होती थी कि हमें मंडी में जाना है और मंडी में जो रेट व्यापारी लगाएगा उसी रेट पे हमें माल बेचना पड़ता था, अब हम एग्रीमेंट करेंगे, जिस जो हमें ज़्यादा रेट देगा उसको हम कहीं भी देश में बेच सकते हैं। और इससे अनेक कंपनियां एक तो उसकी गुणवत्ता में सुधार करेंगी, किसी को आलू चाहिए है तो अच्छी क्वालिटी का आलू हो उसका सीड वो उपलब्ध किसान को कराएंगे जिससे उत्पादन अच्छा होगा और रेट का पहले एग्रीमेंट हो जाएगा। तो इससे किसानों के लिए क्रांतिकारी निर्णय है और इससे किसान की आय सीधी सीधी दोगुनी हो जाएगी। इसलिए जो लोग विरोध कर रहे हैं गलत विरोध कर रहे हैं। और जो नियमित पानी जो एक तय मात्रा में मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है। देखिए, अगर रिपोर्ट आई है तो मैं उसके आज ही जांच के आदेश दूंगा और उसमें अगर सही है तो जो कार्रवाई है, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और आगे लोगों को शुद्ध पानी मिले इसकी व्यवस्था सरकार करेगी। सर, सीएम साहब आज संबल योजना के तहत 3700 हितग्राहियों को 80 करोड़ रुपए वितरित करने वाले हैं। कांग्रेस ने सवाल खड़े किए कि तो ऊंट के मुंह में चीरा जैसे स्थिति है, घाटे की चुनाव। देखिए, संबल योजना जो है माननीय स्वराज जी ने पिछले समय मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू की थी, जो माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने बंद कर दी थी। संबल योजना गरीब का बहुत बड़ा सहारा है। संबल योजना से गरीब को छोटे से लेकर बड़ी मदद मिलती है। अगर कोई गरीब दुर्घटना में, भगवान ना करे, पर मृत्यु हो जाए तो तत्काल सरकार 4 लाख की सहायता उस गरीब परिवार को देती है। कोई घायल हो जाए तो 2 लाख की मदद सरकार करती है और बाकी परिवार के लिए बाकी सुविधाएं इसमें दी हैं। बच्चों की पढ़ाई से लेकर छात्रवृत्ति से लेकर सारी व्यवस्था है। ये योजना कमलनाथ जी ने बंद की थी, हम लोगों ने शुरू कर दी। नहीं, देखिए गलत है, इसमें कई तरह की विसंगतियाँ थी और इसलिए कलेक्टर गाइडलाइन से अब रेट फिक्स होगा, इसमें कहीं गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी। और दूसरा, हम लोगों ने प्रॉपर्टी जो रजिस्ट्री होती थी उस पर 2% की छूट दी, उससे काफ़ी संख्या में रजिस्ट्रियाँ बढ़ी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।